हेलो दोस्तों, मैं अमित राउत, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स 11 स्क्वायर फीट के सोशल मीडिया चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो नागपुर तथा नागपुर वासियों के लिए एक पूरा गेम चेंजर साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको नागपुर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी पार्ट पार्ट में मिलती रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ मेट्रो। नंबर एक, ट्रैफिक प्रॉब्लम। नागपुर में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ट्रैफिक के भी काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल करने के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट एक मददगार साबित होते जा रहा है। नंबर दो, एक्सीडेंटल रेशो। मेट्रो आने से पहले एक्सीडेंटल रेशो ज़्यादा था, मेट्रो आने से उसमें कमतरता दिख रही है। नंबर तीन, इकोनॉमिकली। जी हाँ दोस्तों, आप मेट्रो से कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तो 10 से 15 रुपए के बीच नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट आप जा सकते हो। नंबर चार, इजी टू एक्सेसिबिलिटी। जी हाँ, आप नॉर्थ से साउथ यानी ऑटोमेटिव स्क्वायर से लेके खापरी तक आपको 17 स्टेशन मिलते हैं और ईस्ट से वेस्ट यानी लगभग प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक करीबन 19 स्टेशन आपको मिलते हैं। नंबर पाँच, कैशलेस ट्रांजैक्शन। जी हाँ, जब भी आप मेट्रो में ट्रैवल करो आपको वहाँ पे एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है जिससे आप पूरी मेट्रो में कैशलेस ट्रैवल कर सकते हो। नंबर छः, पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो के वजह से नॉइस और एयर पोल्यूशन में भी कंट्रोल हो रहा है। अभी आपने जाना बेनिफिट्स ऑफ मेट्रो, अगले वीडियो में आप जानोगे मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई और उसका बाकी का डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।